आप फिल्म मेकर बनना चाहते हो, जिसके लिए आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स के ऐसे वीडियोस देखते हो जिसमें फिल्म मेकिंग, स्टोरी टेलिंग, पता नहीं सब कुछ बहुत बढ़िया दिखा तो देते हैं, लेकिन क्या उसमें एक्चुअल में आप कुछ सीख पा रहे हो? तो ये 12 कैमरा एंगल्स आपको समझने हैं और बस आपका काम हो जाएगा। सबसे पहला एक्सट्रीम वाइड एंगल। जब किसी मूवी, टीवी शो, वेब सीरीज की शुरुआत होती है तो यही शॉट यूज किया जाता है, जिसके अंदर गांव, शहर या एक बहुत बड़ा एरिया पूरा शॉट में दिखाया जाता है, ताकि लोकेशन का पता चल सके कि कहां पर ये वीडियो हो रही है। और ये हमेशा आपको ओपनिंग और क्लोजिंग शॉट्स में लेने होते हैं। दूसरा है वाइड एंगल शॉट। अब एक्स्ट्रा वाइड एंगल शॉट दिखाकर आपने गांव तो दिखा दिया, लेकिन उस गांव में एक सड़क जा रही है जिसके ऊपर एक गाड़ी जा रही है। अब हमें एक वाइड एंगल शॉट रखेंगे जिसमें गाड़ी के ऊपर फोकस होगा, कि बड़ा सा एरिया है जिसमें वो गाड़ी हाईलाइट होती हुई जा रही है, जिसको वाइड एंगल शॉट हम कहते हैं। या फिर किसी सीन में एक इंसान कहां से कहां पे जा रहा है, उस चीज के लिए इसको यूज किया जाता है। तीसरा शॉट होता है आपका काउबॉय शॉट। हाँ, मतलब जैसा सुनने में लग रहा है वैसा नहीं है, लेकिन ये शॉट होता है आपके हिप्स तक। इसके अंदर कोई डायलॉग नहीं होता, लेकिन जब किसी एक्टर को पैनिक में दिखाना होता है कि यार कोई घबरा रहा है या फिर भागा हुआ इधर उधर जा रहा है, कुछ ढूंढ रहा है, सामान तहस नहस कर रहा है, वो सारे शॉट्स हमारे यहाँ पे इसी एंगल तक यूज किए जाते हैं। इसको हम अमेरिकन शॉट भी कहते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा यूज किया जाता था अमेरिकन की काउबॉय वाली मूवीज में, तभी इसके ये दोनों नाम है, काउबॉय शॉट और अमेरिकन शॉट। इसको आप मीडियम वाइड एंगल शॉट भी कह सकते हो, जो आपकी कमर से नीचे तक का शॉट इसको लिया जाता है बिना डायलॉग्स के। चौथा है आपका मिड बॉडी शॉट। यहाँ पर आपके डायलॉग्स आते हैं। ऐसा नहीं कि डायलॉग आप पहले वाइड एंगल में नहीं बोल सकते, अब वहाँ पे बोल सकते हो, लेकिन वहाँ पर आपका इतना इम्पैक्ट डायलॉग्स का नहीं आएगा। इसलिए मिड बॉडी शॉट सभी मूवीज के अंदर यूज होता है आपके डायलॉग्स को शुरू करने के लिए। ये शॉट आपकी कमर तक होता है, और इसी के साथ ऐड करना पड़ेगा आपको फिफ्थ शॉट, ओवर द शोल्डर। अब ओवर द शोल्डर शॉट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक आदमी का कंधा है, दो जैसे इंसान बात कर रहे हैं या ज्यादा लोग बात कर रहे हैं, एक आदमी का कंधा आएगा और उसी के पीछे से सामने वाले का चेहरा दिखाई देगा डायलॉग्स बोलते हुए। सेम तरीके से आपको ये शॉट आपको 100% मूवीज के अंदर देखने को मिलेगा। दुनिया की कोई भी मूवी उठा लो जिसके अंदर डायलॉग्स हैं, वहां पर आपको ये ओवर द शोल्डर शॉट देखने को जरूर मिलेगा। और सिक्स्थ आता है आपका क्लोजअप शॉट। अगर आपका करेक्टर कुछ सीरियस हो रहा है या फिर कोई बहुत जरूरी बात करनी है जिसमें सारा ध्यान उसके ऊपर जाना चाहिए, वहां पर आपका आता है ये क्लोजअप शॉट। अब जैसे अगर बात करते करते एकदम माहौल बदल गया, या फिर खुशी से दुख हो गया, दुख से खुशी, या फिर एकदम सीरियस डेंजर, किसी भी तरीके का माहौल चेंज होता है, तो वहां पर आप क्लोजअप शॉट इस तरीके का चेस्ट लेवल तक ले सकते हो। इसके अंदर आपको हल्का हल्का बैकग्राउंड भी पता चलता रहेगा कि क्या हो रहा है, और साथ में पूरा फोकस आपके करेक्टर के ऊपर ही रहेगा। और सातवां शॉट होता है आपका एक्सट्रीम क्लोजअप, कुछ इस तरीके से आंखों का क्लोजअप, माथे पे पसीना, होठ सूखते हुए, गला सूखता हुआ, या घड़ी है हाथ में पहनते हुए, या कोई चीज उठा रहा है, इस तरीके के जो क्लोजअप शॉट्स होते हैं एक्सट्रीम वाले, ये बेसिकली किसी चीज की डिटेल्स को दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं। जब आपको पता है कि कोई करेक्टर घबरा रहा है, तो घबराहट दिखाने के लिए उसके माथे पे पसीना या फिर गला से सूखता हुआ, इस तरीके के शॉट्स आपके यूज किए जाते हैं एक्सट्रीम क्लोजअप में। फिर आता है हमारा 8th डच एंगल शॉट। ये शॉट बहुत ही ज्यादा यूनिक है, क्योंकि इसके अंदर क्रिएटिविटी थोड़ी अलग ही हो जाती है। ये हमारी जो स्क्रीन है ये टेढ़ी नहीं है, ऐसा ही शॉट होता है बेसिकली डच एंगल शॉट। जब कोई इंसान कोई पागल दिखा रहे हो कि हाँ ये कुछ खूनी है, सनकी है, कुछ करने वाला है उल्टा सीधा, या फिर इस सीन में दिखाना कि कुछ बुरा होने वाला, कुछ अनहोनी होने वाली है, या फिर आपको दिखाना कि कोई बहुत ही तगड़ा, जो मान लो कि रोमांटिक सीन है लेकिन वो गलत है, कि यह जैसे किसी को कोई धोखा मिल रहा, कुछ हो रहा है इस तरीके से, वो जो ऐसे साइकोटिक से सीन होते हैं वो हमारे डच एंगल से कवर किए जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा कैमरा एंगल को टेढ़ा कर देंगे और वहां पर वो जो माहौल है, वाइब है, वो बहुत ही ज्यादा अलग हो जाती है। काफी ज्यादा मूवीज के अंदर जहां पर भी साइकोटिक रोल्स देखने को आपको मिलेंगे, हर जगह डच एंगल का यूज जरूर किया होगा। 9th है आपका लो एंगल शॉट, जिसमें कैमरा एंगल आपका नीचे से ऊपर की तरफ होगा, और ये यूज किया जाता है हीरो को पावरफुल दिखाने के लिए। अब मिथुन की बहन को जब तक उठाकर नहीं लेके गए थे गुंडे, तब तक वो नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही उसको बदला लेना, कैमरा एंगल हमेशा नीचे हो जाता है और ऊपर की तरफ दिखाता है कि मिथुन चक्रवर्ती के पास अब ताकत आ गई है, और अब वो गुंडे को मार मार के उसका बुरा हाल कर देगा। 9th जो एंगल है हमारा लो एंगल, ये बेसिकली किसी भी इंसान को पावरफुल दिखाने के लिए किया जाता है, चाहे वो गुंडा भी हो सकता है, जैसे गुंडा स्टार्टिंग में आता है हमेशा नीचे से एंगल दिखाएंगे कि वो बहुत बड़ा दिखाई दे, सेम चीज हमारी ऐसे हीरो को भी पावरफुल दिखाने के लिए की जाती है। 10th ठीक इसके अपोजिट है हमारा हाई एंगल, जिसमें कैमरा एंगल ऊपर से नीचे की तरफ होगा और हीरो को कमजोर दिखाने के लिए या विलन को कमजोर दिखाने के लिए यूज किया जाता है। सनी देओल जब तक कमजोर था, तब तक वो ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ दिखाया जा रहा है, और कातिया जो था वो नीचे से ऊपर की तरफ दिखाया जा रहा है लो एंगल पे, क्योंकि कातिया ताकतवर था।
लेकिन जैसे सनी देओल ने सातों के सातों भाइयों को एक साथ मारा, वहां पर सनी देओल हो गया ताकतवर और कातिया के सारे एंगल्स हमारे ऊपर से नीचे की तरफ हो जाते हैं क्योंकि वो हो जाता है कमजोर। तो ये 10 कैमरा एंगल्स है हमारे बेसिकली जो पूरी फिल्म मेकिंग के अंदर यूज किए जाते हैं और इन्हीं से आप किसी भी तरीके की वीडियो बना सकते हो। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इन कैमरा एंगल्स के साथ लाइट्स को किस तरीके से यूज करना है अपने सीन के अंदर मूड बनाने के लिए। वो देखना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना।